Please welcome the super judges of Super Dancer, Shilpa Shetty Kundra, Geeta Kapoor and Mr. Anurag Basu. Shilpa, how are you? Fine, thank you. You are not... Kapil. Welcome. Kaise ho, Kapil? This one's for you. You're not taking care of yourself. You don't think so, Kapil? Kitni dubli ho gayi, Shilpa. Arey, kaise aap? Ja rahe hain. Arey yaar, kaise aap? Kahan ja rahe hain? Aapka agar khatam ho gaya ho. Aapka hamare show mein bahut bahut swagat hai. Ye hamara purana kuch chal raha hai. नहीं इनका तो सबके साथ पुराना चलता है ना सिद्धू भाई नमस्ते नमस्ते ध्यान रखिए ध्यान तो इनका कहीं हुई पे अरे बुझ रहे थे जो चिराग आज फिर से जलने लगे वाह अच्छा ये भी हमारे लिए नहीं है क्या बात है बरसते बरसते बादलों की तरह आसमां भी सेंटी हो गया है अब आगे सुनो गुरु पटाखा ठोकने पड़ेगा तुम्हें देखो आपके आने से पहले जिंदगी टेस्ट मैच जैसी थी बोरिंग और आपको देखते ही जीवन लुभावना T20 हो गया मुझे बोलो मुझे पाजी T20 के बारे में याद मत दिलाना प्लीज आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू फाइनली थैंक यू इधर तो घर की बात है अरे कैसे हो कपिल वो छुई मुई के पौधे की तरह सुकड़ जाता है नहीं मैं वैसे कर देता हूँ फ्लर्ट मेरे को सामने से कोई करे तो फिर मैं भाग जाता हूँ पार्टी से आप पहली बार हमारे शो में आई हैं अनुराग सर आप भी पहली हाउ स्वीट सो स्वीट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग परफ्यूम कौन सा लगाया आपने वही जो आपने कल भेजा था आपको बच्चे इसीलिए तो नहीं गीता माँ कहते आप सबकी माँ है हर काम में उन्होंने मुझे एक मकसद से भेजा है किस मकसद से बोले जा रहे हो तो पापा भी ले आए हो I've never seen Anurag so quiet. बाप आ गया ना चुप रहना पड़ेगा मेरे सर हम बैठ के बातें करते हैं प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है अच्छा हमारी बहुत मुलाकातें हो जाती हैं मेरी और शिल्पा की इतनी बार मिलती हो चाहती क्या हो आप आप लोगों का शो आ रहा है ना सुपर डांसर अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ गीता जी आप अनुराग सर आप इतने सीनियर हैं अब देखिए कोई सेलिब्रिटी अपने शो को दो बार प्रमोट करने आज तक नहीं आया तो ये आपका अपने शो के प्रति प्यार है या मेरे प्रति मतलब सोनी के प्रति प्यार तो कैसा लग रहा है आप तीनों को एक साथ आपने तो मेरे ख्याल से अनुराग सर के साथ एक फिल्म भी की है लाइफ इन ए मेट्रो पहले जी जी सर उसके बाद आपने कभी साथ में काम नहीं किया ना नहीं उसको बहुत रुलाया बोला कि और नहीं करूंगी साथ में काम सिर्फ रोई है उस फिल्म में ऐसे क्यों बिना ग्लिसरीन के हाँ रोने से मुझे याद आया गीता मैंने आपको 150 बार कम से कम नहीं नहीं मैं बताता हूँ मैंने 150 बार इनको टीवी में देखा है और उसमें से 144 बार ना ये रोती हुई दिख रही है किसी बच्चे ने बहुत अच्छा डांस कर दिया ये रोने लगती हैं किसी ने गंदा डांस कर दिया रोने लगती हैं कोई एलिमिनेट हो गया तो रोने लगती हैं मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है आप कंटेस्टेंट पे सट्टा लगाती हैं इसका मतलब अब वो बीड़ा इन्होंने उठा लिया है अब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो ये रोती हैं वो अब इन्होंने टेक ओवर कर दिया अब ये टेक ओवर कर दिया इन्होंने ये रोंदू जज है हमारी इनका इन्होंने नाम भी रख दिया है मेरा रोंदू जज हाँ। दूसरा कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता तो आप रोने लगती हैं जी आपका अपना बेटा नहीं अच्छा डांस करता ऑनेस्टली कपिल मेरा बच्चा 4 साल का है वो कुछ भी नहीं जानता इन बच्चों के मुकाबले नहीं पर आप हताश मत हो सकता है कि वो 18-19 साल में जाके बॉलीवुड का इमरान हाशमी बन जाए मेरा बेटा आपको क्या लगा राज को बहुत डाउट हो गए इस पार्ट को एडिट कर दिया जाए सर एक एक बात बताइए आपने फिजिक्स में बीएससी की है हाँ गलती से कर लिया था मैंने क्या मतलब अभी क्या है प्लान भी रेडी रखना पड़ता है ना कुछ नहीं हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और कर लूंगा पर जब मैंने आपकी मर्डर देखी ना मुझे लगा आपने फिजिक्स में पीएचडी की होगी
फिल्म आई थी ना मर्डर, है ना, तो वो फिल्म अनुराग सर ने ही डायरेक्ट की थी। नहीं पर फिल्म मर्डर है और तुझे भीगे होंठ ही दिख रहे हैं, हाथ धो गई यार। मतलब मर्डर वाली फिल्म में इसको और नहीं कुछ सूझा, भीगे होंठ तेरे लपक लो। आपने भी तो कहा था मल्लिका शरद को आपकी फिल्म देखी मैंने मर्डर, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा उसमें इमरान हाशमी भी थे, कहते वो नहीं मैंने देखा। ये बात तेरी ठीक है। उनका शेर मैंने क्या सुनाया था याद है तुझे, यहां कोई आवत है कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मल्लिका शेरावत। लेकिन पाजी I have to say कि जब भी मैं आती हूँ तो सबसे अच्छे शेर मेरे लिए ही मारते हैं आप। नहीं नहीं पर एक बात मैं आपको बताऊँ, जो शेर आप उन्होंने पिछली बार बोला था ना आपके लिए, हाँ। वो तीन बार पहले दीपिका पादुकोण के लिए बोल चुके। निशाना क्यों गया? रास्ता मेरे को बात बताइए, आप इतनी दो खूबसूरत महिलाओं के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत शो जज कर रहे हैं, सामने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आप लगातार देखेंगे कि इधर उधर भी देखना पसंद करेंगे? मतलब नजर जाती है ऐसे? मुझे लिया किस लिए बताऊं आपको मैं? किस लिए? वो बैलेंस करने के लिए जज के पैनल को ना। अच्छा। गीता जी को पहले ले लिया था उन्होंने। अच्छा। तो बैलेंस करने के लिए ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने काटा देखकर मुझे लिया है शो में। पर आपको पता पाजी, गीता बहुत ही कमाल की कोरियोग्राफर हैं, इन्होंने ढेरों सारे टीवी शो जज किए हैं, जो नहीं भी आते टीवी पे वो भी जज कराती जाती हैं। एक्चुअली ये कभी अमेरिका जाएं तो वहाँ पे लोग सड़कों पे करते रहते हैं ना कि उनको नंबर दे आती हैं, वेरी गुड 8 नंबर। तो ये इनको इनकी इतनी आदत पड़ गई जज करने की। अच्छा गीता सही सही बात बताना, ये शो भी आप जज कर रही हैं, आपका मेरे ख्याल से 2021वां शो होगा ये, एक दो कम ऊपर नीचे हो सकता है। सीरियसली बताना, मेहनत करके स्टार्स को सिखाना अच्छा लगता है या बैठ के पैसे कमाना? और आपके ऑप्शंस हैं, और आपके ऑप्शंस हैं ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे या कैसे? ज्यादा मजा किसमें आता है? ऑनेस्टली पूछ रहे हो? जी, I'm very honest person. मैं बताऊं? बताइए ना प्लीज। ऐसे। आपकी तो बेस्ट जॉब है दुनिया में। वैसे सीरियसली गीता, आपको ज्यादा मतलब जब आप फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करती हैं तब मजा आता है कि? नो ऑनेस्टली जब काम करना था बहुत कर लिया। अच्छा। अब बैठ के कमाने में भी मजा है, सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट्स व्हाट इट इज। हाउ स्वीट। सो ये शो करने का मकसद भी और कोई है, ये शो करने का मकसद ये है कि इतनी मेहनत करी है, इतने लोगों के साथ काम करा है, इतने बच्चों को देख लिया है, अब आपके शो पे आने का वो जो मेहनत करी है वो सफल हुआ है, इसलिए ये शो किया है। हैड टू कम। आप क्यों ब्लश कर रहे हो? आई एम सो पॉपुलर ना। एट दिस पॉइंट ही वांट्स मी टू से कि अभी अभी जाके आए हैं लंदन, वेम्बली अरीना में जाके उन्होंने हाउसफुल शो परफॉर्म किया है। शिल्पा के फादर इन लॉ भी वहां पे थे, सीनियर कुंद्रा साहब। अच्छा, वैसे तो कभी फोन नहीं आता। वहां से लंदन से फोन कॉल आया, लाइटनिंग प्लीज चार टिकट दिलवा दो। अरे ये तो प्यार है उनका, नहीं तो वो तो आधा लंदन खरीदा हुआ उन्होंने एक्चुअली। अरे गीता आपकी शादी नहीं हुई, आपको सब बच्चे माँ माँ कहते हैं, गीता माँ गीता माँ, जी। कभी कोई ऐसा शरारती बच्चा नहीं हुआ जिसने किसी लड़के को देख के पापा पापा बोल दिया हो, तो बाद में आपकी तरफ देख के मामा मामा फिर उधर पापा पापा? बस आप कर लो, आपको भी बोल देगा। अच्छा आप मजाक मजाक में बोल रहे हो, मैंने सीरियस हो जाना। वैसे आपको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पड़ता। What do you mean? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। Nothing at all. यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितनी लेडीज आई हैं, खूबसूरत लेडीज आई हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आई हूँ, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी मैं आपको इस सच्ची ऑनेस्टी ईमानदारी के बाद में 101 रुपया मेरी तरफ से इनाम।
आप उसमें 100 और ऐड करके मेरे को वापस कर दे रहे हैं। ओके। मैं सीरियसली आप तीनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने जितना आपके शो के प्रोमो देखे, बड़े क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस भी है नो डाउट, लेकिन आपको किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा और सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो आप क्या किस बेसिस पे करते हैं सिलेक्ट? इसके आंसू के क्वांटिटी पे हम लोग उसके बेसिस पे करते हैं। ये कम रोई तो ठीक है, ज्यादा रोई तो वही बस मापदंड उसके आंसू हैं शिल्पा के। तो गीता और अनुराग बोल जाते हैं जो भी बोलना है कंटेस्टेंट को, फिर मेरा टाइम आता है और मैं सोचती हूँ हम जहन्नुम जाने वाले हैं इन बच्चों का दिल तोड़ के। एंड देन सडनली आई स्टार्ट बेगिंग, मैं भीख मांगना शुरू करती हूँ दोनों जजेस से, प्लीज इन्हें पार करा दो। आप ऐसे नहीं बोलते, आप कैसे बोलते हो ये बताइए। कम ऑन, रेडी, 1 2 3 इफेक्ट में। तो एक एपिसोड के बाद अनुराग बोल देता था और मुंह फेर लेता था मेरे से, और गीता बोल देती थी और उस तरफ देखती थी, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं था। मैं तो इस डर से हाँ कर देता हूँ कि ये ना बोले अंकल आप करके दिखाओ। अच्छा गीता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया जी, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है? ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ या कपिल शर्मा? रणवीर सिंह। अच्छा खराब डांसर कौन है? कपिल शर्मा। ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था। ज्यादा कौन ऐसा इस बात पे? आपकी मम्मी। नहीं वैसे इनके और इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। क्या? बोथ आर सुमड़ी डांसर्स। आपको कवर करने की जरूरत नहीं, मैं मान लिया। मैं जानती हूँ सारी औरतें आपको नचाती हैं, आप नाच लेते हो ऐसा सुना है, सारे बच्चे इनको नचाते हैं, ये डांस कर लेते हैं, तो डांसर तो आप दोनों ही। हमारे दोनों के अंदर एक डांसर छुपा है अंदर। यस। अनुराग सर पहले तो आप एक काम करें। हाँ, अब रिलैक्स होकर बैठे, पेट निकाल के आप इधर रख दें। यार वो शिल्पा ने मेरे को दो डाइट पे रखा है, प्रार्थना डाइट पे रखा आजकल। व्हाट इज प्रार्थना डाइट? जितना खाना है खाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि चमत्कार कर दो। इसके कुछ ऑर्गन मिसिंग है अंदर, इतना दुबला कैसे हो सकता है? सर बहुत लोग आए यहाँ, सबसे हाजिर जवाब आप हैं। ठोको, ठोको। सोनी चैनल की खासियत यही है, सब कमाल कमाल के बंदे इकट्ठे कर दिए। शो क्यों सुपर डुपर हिट होने वाला? क्योंकि तीनों लोग मैं जो देख रहा हूं ना, इन सबकी नीयत बहुत अच्छी। नीयत अच्छी होना तो हिट होगा पक्का। आपको इनकी नीयत का कैसे पता? आपने उधार लिया था इनसे? तुझे ये अच्छा वो ऐसे हंसा, मेरा सिंहासन हिल गया पूरा। अच्छा लड़कों की हंसी से उनको प्रॉब्लम हो गई पाजी को आज। लड़कियां पता क्या करती, जैसे सिद्धू पाजी का कंधा है तो कहीं तो ऐसी भी शरारती होती जान के कहती सिद्धू सर के, तभी इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। गीता एक मैं बात आपसे पूछूं, सच सच बताना जी, कभी किसी ने आपके ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा? आज आप रख दो हाथ कसम। मैं कसम खाता हूं। रखना होता है नीचे नहीं, वो घर लेके जाने वाला हाथ होता है, हाथ ऊपर रख के कसम खाते हैं। मैंने कहा जी ऊपर हो नीचे हो हाथ तो है ना। हाथों में हाथ है। अनुराग सर एक बात बताइए, बर्फी में आपने रणबीर कपूर को आवाज ही नहीं दी, हालांकि बहुत अच्छे डायलॉग बोल लेते हैं, प्रियंका को आपने स्पेशल चाइल्ड बना दिया। हाँ। तो इसका मतलब है आने वाले समय में आप तो किसी भी टाइम मतलब कोई पॉपुलर कॉमेडी शो के होस्ट को रोमांटिक हीरो बना सकते हैं मेरे ख्याल से। बड़ी बात नहीं है सर? जितनी तगड़ी तू अपनी प्रमोशन करता ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कसम से कह रहा हूं। कहां करूं और जाके जैसे मैं, मेरे मन में तो खैर हम अपनी बातें चलती रहेंगी, पर आपके नए शो को लेकर
और आपसे लोग जो हैं बातें करना चाहते हैं, तो आप लोग जो जो पूछना चाहते हैं फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं एक एक करके जी। मैडम मेरे को आपकी साड़ी बहुत पसंद आई। हेलो कपिल सर, नमस्ते। शिल्पा शेट्टी जी नमस्ते। गीता मैम नमस्ते। मैं सबको आपको नमस्कार करती हूँ। मैं मेरा क्या सर, आपको भी नमस्कार करती हूँ, सिद्धू सर को भी नमस्कार करती हूँ। सर मैं मैडम मैडम ओ मैडम, मुझे तो अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है। अब बैठ जाइए बैठ जाइए, हस्ती हस्ती किसी पे गिर ना जाना। पता चले कल को खबर आए कपिल शर्मा के शो पे हंसते हंसते महिला गिरी दूसरी महिला पे। अरे मैं मुझे इतना अच्छा लगा आपको देख के, मैं आपको करीब से देखना चाहता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा बैठ जाएगी ठक करके। अच्छा मुझे आपने सिर्फ आप खड़ी हुए, मेरे को आपका लाफ्टर टेस्ट करना है कि आपकी तो मुझे देखना है आप कितनी छोटी छोटी चीज पे हंस सकती हैं। मान लो ऐसे ही। अच्छा सी एक्सपोजर। उनका प्रश्न रह गया। अच्छा आपका आपका सवाल जी, आपका सवाल क्या था? सवाल ठीक है। मेरा सवाल शिल्पा मैडम से जी। मैडम अगर से आपकी गाड़ी बॉम्बे में रास्ते में कहीं खराब हो जाती है तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर से जाओगी? फिर मैं घर पे फोन करके दूसरी गाड़ी मंगाऊंगी। नहीं अच्छा, तुम क्या सोचती हो वो तुम क्या सोचती हो कि वो टांगे पे जाएंगी? ऑटो से जाओगे? मेरे को थोड़ा सा डेमो देके बताओ मैडम, कैसा जाओगे आप? अभी क्या आपको ऑटो स्टार्ट करके दिखाएं वो? नहीं मुझे प्रैक्टिकल, अभी हम लोग तो कैसे भी मेहनत कर लेते हैं ना। ब्रूम ब्रूम कर दे कभी सर, आप करके बताओ जरा। अनुराग जी आप इस सीन को डायरेक्ट करिए प्लीज। ये ऑटो वाले है, मैं मेरी गाड़ी खराब हो गई है और गीता जी मेरी ड्राइवर है। गीता जी मैडम आज गाड़ी खराब हो गई है, गीता से नहीं जाएगा। क्या तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी? मैडम मेरे को मालूम नहीं, गाड़ी तो नहीं जाएगा। देखो आसपास कोई ऑटो वाला है क्या? मैडम ये भी काम में करेगा। मैंने कहा आपको घोड़े पे छोड़ा है। अच्छा देखो मैं कोई चीज दिखाऊं? अच्छा सुनो सही, ये देखो। अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो। अच्छा लिसन सुनो सही, ये देखो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.